पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। करेंगी जैसा मोहतकट को करती थी। मुझे विश्वास है माता कि आप हम में और मोहतकट में भेद नहीं करेंगी। भेद का तो प्रश्न ही नहीं उठता पुत्रों। अब तो मेरे लिए परमदेव का हर अवतार मोहतकट के समान ही प्रिय है। तुम दोनों ने इस समय मेरे मातृत्व को सुख देकर धन्य कर दिया पुत्रों, धन्य कर दिया। धन्य है परमदेव श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आप अपने भक्तों की इच्छा का सम्मान करने के लिए एक पल का भी विलंब नहीं करते। आप धन्य है परमदेव महागणेश, आपकी जय हो। जय हो परमदेव श्री महागणेश की जय हो। माता, मोहतकट ने तो अपने वचन की रक्षा कर ली, परंतु अब आपको भी हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? पुत्र के वियोग में माता आंसू बहाए, क्या यह पुत्र के लिए लज्जा का विषय नहीं है? माता, आप हमें वचन दें कि अब आप अपने यह बहुमूल्य आंसू नहीं बहाएंगी। अब इन आंसुओं की आवश्यकता भी नहीं है पुत्रों, मैं वचन देती हूँ मोहतकट के वियोग में आंसू अब कभी भी नहीं बहेंगे। अब तो मोहतकट की स्मृतियाँ और तुम दोनों का स्नेह मेरे जीवन की पतवार बनेगा। तो हम भी आपको एक वचन देते हैं, जब भी आप हमारा स्मरण करेंगी हम आपकी सेवा में आ जाएंगे, क्योंकि माँ की आंचल की छाया में ही तो पुत्र को शक्ति प्राप्त होती है। मैं तुम दोनों के लिए मिष्ठान और फल लेकर आती हूँ। माता, अब आपके हाथों से भोजन करने का सौभाग्य हमसे दूर है। ऐसा क्यों पुत्र? अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ हो गया। भैयासुर के वरदान के कारण सिंधु दैत्य ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। अपना दोष सूर्य पर क्यों मढ़ते हो पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं माता। परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें तुम्हारी पराजय का ज्ञान है पुत्र। तुम्हारी पराजय का कारण सूर्य का वरदान नहीं, अभी तो परम देव श्री महागणेश की आराधना का त्याग है। जो व्यक्ति अपने संकल्प को तोड़कर जप तप और पूजा आराधना का त्याग करता है, उसे संकटों का सामना करना ही पड़ता है पुत्र। भूल होने पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है इंद्र, उसे सुधारने की आवश्यकता है। परम देव श्री महागणेश की आराधना का त्याग करके तुमने जो संकल्प अधूरा छोड़ दिया था, उसे इसी समय से पुनः प्रारंभ करो पुत्र। भक्त वत्सल परम देव श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। उनकी कृपा तुम पर अवश्य होगी पुत्र। हम भी तुम्हारे साथ उनकी आराधना करेंगे। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र। गणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। उस दुष्ट अदिति के कारण मेरे पति ऋषि कश्यप ही नहीं, संसार की सभी शक्तियां मेरे विरुद्ध हो गई हैं। देवांतक और नरांतक का वध इस बात का प्रमाण है, परंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपनी सौत दुष्टा अदिति को क्षमा नहीं करूंगी। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकता मेरा क्रोध उस दुष्टा अदिति को भस्म कर डालेगा। हाँ। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य तुम? अब उस पुरानी कथा को दोहराने का कोई लाभ नहीं होगा दैत्य माता। जो हो चुका उसे भूल जाएं। और भविष्य की ओर देखें। भविष्य? तुम्हारे जैसे दैत्य शत्रु गुरु के रहते दैत्य जाति का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। जब तक तुम कैलाशपति शिव के साथ साठगांठ करके वीर और वरदानी दैत्यों के अंत के सूत्रधार बनते रहोगे तब तक दैत्य जाति का भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा। दैत्य माता, भगवान शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। हाँ। उन्हीं की कृपा से दैत्य जाति का विजय ध्वज संसार में फहराता है। हाँ। दैत्यों के आराध्य शिव का वरदान प्राप्त देवांतक और नरांतक की मृत्यु कौन से विजय ध्वज का प्रमाण है? हाँ? सच तो ये है कि यदि शिव के स्थान पर उन दोनों अभागे देवांतक और नरांतक ने परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना की होती तो उन्हें अमरता का वरदान अवश्य प्राप्त होता। वरदान तो उन्हें भी प्राप्त हुआ था दैत्य माता, भगवान शिव से, किंतु आपके भड़काने के कारण वो दोनों ऐसी भयानक भूल कर बैठे जिसका मूल्य उन्हें अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। अपनी मूर्खता का प्रमाण ना दो शुक्राचार्य। तुम्हारे शिव ने वरदान देते समय ही निश्चित कर लिया था कि उनके पुत्र गणेश के हाथों देवांतक और नरांतक का अंत होगा, अन्यथा वो छोटा सा बालक दो महान शक्तिशाली वरदानी और वीर दैत्यों का अंत कर सकता था क्या? प्रतिशोध और प्रतिरोध की ज्वाला ने आपकी सोचने समझने की शक्ति को बंधक बना लिया है दैत्य माता। आप जिसे छोटा बालक समझने की भूल कर रही हैं, वो कोई और नहीं परम देव श्री महागणेश का अवतार है। मुझे दैत्य शत्रु की प्रशंसा प्रिय नहीं है शुक्राचार्य। महागणेश, गणेश, शिव और विष्णु सभी तुम्हारे ही समान दैत्य शत्रु हैं। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम जैसे जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। आप बार बार मेरा अपमान कर रही हैं दैत्य माता, और मैं आपको बार बार क्षमा कर देता हूं केवल इसलिए कि आप दैत्य माता हैं। अन्यथा क्या कर लोगे तुम? अन्यथा हम तुम्हें भयानक शाप देकर इसी समय दंडित कर सकते हैं। तुम मुझे शाप दोगे? तुम्हारी बात सुनकर तो अट्ठास करने का मन करता है शुक्राचार्य। सूप बोले तो बोले छल्ली बोले जिसमें 72 छेद। हाँ? शुक्राचार्य शाप देगा दैत्य माता दिती को? दैत्य माता, अपने क्रोध को अंकुश में रखें। ये समय आपस में शाप अभिशाप देकर व्यर्थ करने का नहीं है। उग्र पुत्र सिंधु दैत्य ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। तुमने मेरी सौत अदिति के पुत्र सूर्य से सिंधु दैत्य को वरदान दिलवाकर एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि तुम दैत्य शत्रु की भूमिका निभाते हो। दैत्य जाति के उत्थान के लिए यदि दुष्ट देवताओं की एकता में फूट पड़ती है तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है दैत्य माता। सिंधु को वरदान देने के कारण आज सूर्यदेव दुष्ट देवताओं के क्रोध का शिकार हो रहे हैं। राजनीति के दांवपेच और कूटनीति की चालें चलने में तुम चतुर हो शुक्राचार्य, परंतु मैं शक्ति पर विश्वास करती हूँ। एक दिन मेरी शक्ति के कारण सारा संसार मेरे चरणों पे झुककर मुझसे दया की भीख मांगेगा, भीख। स्वप्न और कल्पना की उड़ान भरने में ही यह समय व्यर्थ न करें दैत्य माता। इस समय दैत्य जाति वरदानी और अमर दैत्यवीर सिंधु की विजय से उत्साहित है। मरेगा वो भी तुम्हारे षड्यंत्र और सांठगांठ का निवाला बन जाएगा। तुमने उसके विरुद्ध अपना खेल प्रारंभ कर दिया होगा शुक्राचार्य। कब मर रहा है सिंधु दैत्य? आप भूल कर रही हैं दैत्य माता। सिंधु का जन्म तो त्रिलोक्य का राज्य संभालने के लिए हुआ है, मृत्यु का निवाला बनने के लिए नहीं। अर्थात? सिंधु को मृत्यु के द्वार तक पहुंचाना असंभव है दैत्य माता। भगवान सूर्य द्वारा वरदान में दिए गए अमर कुंभ से अमृत पीकर वो अमर हो चला है। अब कोई दानव, मानव या देवता उसका वध नहीं कर सकते, उसे स्वर्ग सिंहासन से हटा नहीं सकते। दैत्य माता दिति के पुत्र पौत्रों से स्वर्ग अधिकार छीनकर तुमने उग्रा पुत्र सिंधु को सदा सदा के लिए स्वर्ग सिंहासन पर बिठा दिया है। यदि मुझ में ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति होती तो मैं तुम्हें इसी समय अपने क्रोध से भस्म कर देती। दैत्य माता, आपसे घोर अपमान के भयानक प्रहार झेलने पर भी ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य सदा दैत्य जाति का भला ही चाहेगा। सिंधु के स्वर्ग सम्राट हो जाने के बाद अब आपके पास दो मार्ग खुले हैं, या तो आप तारक पुत्रों के त्रिपुरों में रहने चली जाएं, या अपने महान पति कश्यप के पास अदिति आश्रम में रहने चली जाएं। शुक्राचार्य! दैत्य माता, अपने क्रोध को त्याग कर यदि आप मेरा परामर्श स्वीकार करेंगी तो आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। अपनी जिस शिव भक्ति के नाम पर तुम दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र करते हो शुक्राचार्य, उसका मूल्य तुम्हें एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। उस दिन तुम्हारी रक्षा शिव भी नहीं कर पाएंगे। गजानन, गणपति, कहाँ हो तुम? गजानन, गजानन, पुत्र गणेश, कहाँ हो पुत्र? पुत्र गणेश, गजानन, कहाँ हो गजानन? पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? माता, हमने कैलाश का कोना कोना छान मारा, किंतु हमें श्री गणेश कहीं नहीं मिले। माता, हमने आसपास के वन प्रदेशों में भी श्री गणेश को ढूंढा, किंतु उनका कोई पता नहीं चला। माता स्वामी, आंखें खोलें स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें। न जाने गजानन कहाँ चले गए। आंखें खोलें स्वामी, आंखें खोलें स्वामी, आंखें खोलें, अपने ध्यान को विराम दें। न जाने गजानन कहाँ चले गए। माता, आपके आंसू हमसे नहीं देखे जाते, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से आप ये देखें कि श्री गणेश कहाँ हैं और वे क्या लीला कर रहे हैं। गौरी पुत्र माता, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो। माता, क्या श्री गणेश ने आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया? तुम नहीं समझोगे। इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ स्वामी दे सकते हैं। मेरी बात सुने स्वामी, बताएं श्री गणेश मयूरेश्वर के साथ कहाँ जा रहे हैं। अपने ध्यान को विराम दे, आंखें खोलें स्वामी। पुत्र, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मयूरेश्वर। कैसी भूल? हम माता पार्वती को बताए बिना ही कैलाश से चले आए। वे हम दोनों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुकी है। अब वे हमें अवश्य ही दंडित करेंगी। नंदी महाराज, माता से पूछे तो कि श्री गणेश कहाँ हैं? तुम मुझे माता के क्रोध से दंडित करवाने की योजना मत बनाओ। भिंगी, आप बात बात पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं नंदी महाराज? क्रोधित होने का कारण तुम जानते हो। तुम्हारी मूर्खता के कारण मुझे बार बार माता का क्रोध सहना पड़ता है। आप भी वही देख रहे हैं नंदी महाराज जो मैं देख रहा हूँ? देख तो मैं भी रहा हूँ। माता प्रसन्न हो गई। ऐसा लगता है गौरी पुत्र कैलाश लौट कर आ रहे हैं। आप माता से पूछिए ना। परंतु माता क्रोधित हो गई तो? माता की प्रसन्नता इस बात का प्रमाण है कि वे क्रोध नहीं करेंगी। माता, क्या आपने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि श्री गणेश कहाँ हैं? क्या वे कैलाश वापस आ रहे हैं? आश्चर्य है नंदी महाराज, आपके पूछने पर भी माता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गई। इसका क्या रहस्य है? भृंगी, तुम मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछा करो जिनका उत्तर मेरे पास ना हो। मयूरेश्वर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने हमें देखा और मुस्कुरा कर रह गई। अब तुम ही बताओ, कैलाश पहुंचकर वे हमारे साथ क्या करेंगी? गौरी पुत्र, माता हमारे साथ क्या करेंगी इसका अनुमान मैं लगा सकता हूँ। अर्थात मैं एक बार माता के क्रोध से दंडित हो चुका हूँ। माता ने मुझे श्रृंखला से बांधकर अपना क्रोध निकाला था, तभी तुम्हें कैलाश से अदृश्य होना पड़ा था। प्रणाम मयूरेश्वर। यूँ अचानक आपके दर्शन पाकर इस नारद का जीवन धन्य हो गया। नारायण नारायण, मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य उसी दिन प्राप्त हुआ था मयूरेश्वर, उसी दिन जिस दिन माता पार्वती आपको श्रृंखलाओं से बांधकर दंडित कर रही थी। उसी समय मैंने आपको अदृश्य होते हुए देखा था। उसके पश्चात आज मुझे आपके और आज आप मुझे देखकर चकित हैं तथा अनुमान लगा रहे हैं कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ। हाँ मयूरेश्वर, हाँ, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मुझे ये ज्ञात है कि स्वर्ग पर अधिकार करने वाले अमर वरदानी सिंधु दैत्य का वध आप ही के हाथों होगा। मयूरेश्वर, आप इस समय उसी विषय पर किसी से परामर्श कर रहे होंगे। हम जिससे परामर्श कर रहे हैं उसका अनुमान आप नहीं लगा पा रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। मयूरेश्वर, अदृश्य व्यक्ति का अनुमान बिना आपकी कृपा के कैसे लगाया जा सकता है? अनुमान लगाने में तो आप कभी भूल नहीं करते देवर्षि। मयूरेश्वर, अनुमान लगाने की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ सामने आप जैसा सर्वशक्तिमान ना हो। जब आप मेरे समीप हैं, तो मुझे अनुमान लगाने की क्या आवश्यकता है? कृपा कर केवल इतना बता दें कि अदृश्य रूप में आपके सामने कौन है। आश्चर्य है देवर्षि, आपने अपनी चर्चा में गौरी पुत्र श्री गणेश का नाम ही नहीं लिया और न ही ये जानने का कष्ट किया कि गौरी पुत्र कैलाश पे है भी अथवा नहीं। तो माता पार्वती से भय ना करो मयूरेश्वर। कैलाश पहुँचते ही तुम्हें माता पार्वती का स्नेह अवश्य प्राप्त होगा। अर्थात तुम इस समय कैलाश जाने की इच्छुक नहीं हो गौरी पुत्र। प्रश्न इच्छा का नहीं कर्तव्यों का है। मेरे कर्तव्य मुझे कैलाश जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, परंतु तुम कैलाश जाकर माता पार्वती से कहना कि मेरे लिए चिंतित ना हो, मैं शीघ्र ही कैलाश पहुंचूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा गौरी पुत्र। नारायण नारायण।